कृष्ण बजरंगी राम कृष्ण बजरंगी राम कृष्ण बजरंगी राम कृष्ण बजरंगी। अंकुश जी का करत रहो, मतलब देखत नहीं कि तू भक्ति भाव में अगल राम कृष्ण बजरंगी करत रहो, आखिर का बात बा? हाँ भैया, हम सोचते भगवान के प्रकट करे खातिर। कहाँ है किंग भगवान प्रकट हो गया ना? अरे वो रितेश पांडे को फिल्म में एगो भगवान के बोले रहलन, हाँ आ दूसर का फिल्म में तीन तीन भगवान के बोले बाड़न। अच्छा, हाँ राम कृष्ण बजरंगी वो फिल्म में टेलर का बात करता रहा। अब मान लो हम सोचने कि काल के बुनी पड़ल बा हाँ आ बर्फो गिरल बा, तो चाना बोले रहे 2 कट्ठा, जानते बड़ा 2 कट्ठा खेत बखाली। हाँ तो बात बा, हम तो हंस हंस हो गया, तो हम सोचते नहीं इंद्र भगवान के बुलाई, बुला के उनका से पूछल जाओ। चल बात सही बात है। तो नमस्कार, हम वाणीजीत कुमार। आदाब, हम बने अंकुश आजाद। एग्जैक्टली राम कृष्ण बजरंगी टेलर के आज हमने ये करे वाला बन जाए रिव्यू, और बताएं जाए कि आखिर टेलर में का खास बा और का खास हो सकत रहा वे और कितना इम्पोर्टेंट हो सकत रहा। उससे पहले जे भी चैनल पर नया बा चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन वाला घंटा जरूर जरूर दबाई, लाइक दबाई। करी, हाँ और कमेंट करी, बाकी जोन बचल खुसर बा ना संगी मित्र दौर दिया संग एक शेयर कर दीजा कर दीजा कर दीजा न हो यार। एक बात कितना लिखल कितना लिखल कब्जा। चलिए अंकुश, हम बात कर जा राम कृष्ण बजरंगी फिल्म। देखिए राम कृष्ण बजरंगी एगो फिल्म के ट्रेलर आयल बटे। फिल्म में एगो युवक बड़न, हाँ पहले कहानी की बात कर रही हमने, मतलब फिल्म में एगो युवक बड़न रितेश पांडे, बहुत ही साधारण से रहते रहो, हाँ बहुत ही साधारण इंसान रहत बड़न, और वो जब भी अच्छा करे जात बड़न उनकर संगे बुरा 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 हो जात बटे। हाँ उनकर संगे बुरा हो जात बटे, और वो अपन नाम मतलब उनकर नाम रहता भोला भोला, लेकिन वो अपन नाम के आगे मतलब राम कृष्ण बजरंगी जोड़ लेते रहो, कहें कि राम कृष्ण बजरंगी के वो भक्त रहते रहो। लेकिन एगो चीज़ हमको समझ में नहीं क्या हो, तो कहीं भी मंदिर होला कृष्ण जी के अलग होला, राम राम जी हनुमान जी के एक साथ होला, लेकिन राम जी कृष्ण जी हनुमान जी एक साथ ना रहला। लेकिन ये कब अनलॉजिकल चीज़ के एक साथ सटावल गई बटे, तो ये थोड़ा सा मजा नहीं खेत, अगर मजा आगे तो बताओ अंकुश। देखा वो का है ना कि जैसे दिनेश लाल ये तो निरहुआ के चूल कट रहे दू दू गो हीरोइन के, अच्छा अब इनकर चूल काट दे भक्ति के, हाँ भगवान लोग। हाँ तो पहले देखिए जो भगवान एक साथ कहीं उनकर मंदिर नहीं खे, अब उन भगवान के बरियाई एक साथ मंदिर में घुसा दिल गोल बटे, तो ये थोड़ा सा अनलॉजिकल बटे, अनलॉजिकल लगा था। उनके मंदिर पर कौन मतलब नहीं, अब आगे कहानी के बढ़ावा देखे, आगे कहानी बा कि जब भी रितेश पांडे कुछ कल जात्रा अच्छा नहीं खे हो पाओ, लेकिन एगो बड़का वाला विलेन से वो मतलब का लेते पंगा हो जाता हो जाता, वैसे कि वो भाई बड़का वाला विलन अक्सर किडनी उड निकाल के सप्लाई करते रहते, और ई राज रितेश पांडे के पता चल जात बा, और रितेश पांडे के पता चलता डे तो भाई कुछ कल जात बड़न, लेकिन उनका से कुछ उखरत नहीं के लेकिन उल्टे हो जाता इनका उखर जाता। हाँ अब संजय पांडे बड़का वाला विलन रहते मरण उनकर घर पर अटैक करत बड़न, और उनकर भौजाई के इज्जत लूटत रहन। हाँ अभी बात जान के भी संजय रितेश पांडे कुछ नहीं कर पाते रहन, लेकिन जब उनकर बड़का वाला भाई अवनीश अवनीश साहब बड़न, हाँ भैया वो बहुत दुखी होते रहन, और अपन छोटका भाई के छोड़ के जाए के फैसला कर लेते बड़न, हाँ और पूरा फैमिली उनकरा के छोड़ के मझधार में चल जात बा। और बाद से रितेश पांडे के लागत यार हमार तो भगवान के पास जाए के पड़ी, और भगवान के ही बोला के शायद कुछ करे के पड़ी, तो जाके मंदिर के घंटा पर अपन मुड़ी पटकत रहन, और भगवान के जोर जोर से पुराना सिनेमा में होते रहो, हाँ पुराना सिनेमा, अब भगवान के जोर जोर से गुहार लगावत बोलन, तब तक का होत बटे तीनों भगवान एकदम खचाक खचाक करके प्रकट हो गए। और बाद से उनका संगे वो करार होत बटे कि एक कलयुग में हमारा संगे जी के दिखाओ तब आटा नून तेल के भाव पता चल, और एगो शर्त रखत रहन कि अपन तू कभी भी दैवीय शक्ति के प्रयोग ना करबो। ओकर बाद मूर्खता ही के भी हद होला कुमार एगो तुक्ष इंसान भगवान से, हाँ इतना इतना साधारण से वो तो थोड़ा सा हमके अनलॉजिकल लिखा लगत बटे। ओकर बाद से कहानी आगे बढ़त बटे, भगवान लोग कैसे जगन मतलब कृष्ण जी जगन गोपियन के संगे वो फोटो देखल बड़े ना एहू में वही नहात लड़कियन के बीच में कुछ जत रहन राकेश मिश्रा बनल बड़न कृष्ण जी, हाँ ओकर बाद से एक जना और ही बड़न वो बनल बड़न राम, और ओकर बाद से जौन बड़न प्रिंस सिंह राजपूत वो बड़न बजरंगी, हाँ वो बजरंगी बनल बड़न। तो पानी ओकर बाद से कैसे संजय पांडे के साम्राज्य खत्म करते रह जा, ओकर बाद से कितने कितने जर्नी होत बा, कितने कितने जियत रह जा, ये सब कुछ एक फिल्म में वही तरह साधारण में दिखावल गई बा, जगह कि अक्सर मनगढ़ंत कहानी कथा बनावल जाए, मतलब एक फिल्म के वास्तविक से दूर दूर तक ले कौनो नाता नहीं खे, एकदम नहीं खे। अब फाइनली अब हमने के बात कर रही तो रहला थोड़ा सा कहानी के बारे में, अब हमने के बात कर एक फिल्म के मतलब डायरेक्टर के बारे में। देखिए फिल्म के डायरेक्टर साहब बानी इश्तियाक शेख बंटी,
एग्जैक्टली कर्म मतलब जाति से तो मुसलमान है लेकिन बात मुसलमान से मतलब नहीं के बात जो बटे उनकर बनावल गोल कहानी से। देखिए बनावल कहानी में उनकर ई दिक्कत बटे कि एगो तो कोनो भगवान के केंग न घुसावल जला शायद उनका पता नहीं, अगर उनका तनिक भी पता रहे तो शायद ए तरह भगवान के इस्तेमाल वो ना कैल रहतन। और रितेश पांडे तो ब्राह्मण हो कम से कम रितेश पांडे ही बता दल रहतन। और रल बात भोजपुरी इंडस्ट्री में तो गवई स्टार के तो खूब चलेला भाई खूब चलेला, तो कम से कम वह बता दल रहतन कि ना ए तरह ना ओ तरह कैल जा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कल। अब फाइनली इश्तियाक बंटी एगो अच्छा खासा डायरेक्टर हन, अक्सर फैमिली ड्रामा वाली फिल्म बनावे खातिर वो माहिर हन और अच्छा काम भी कर लेलन, लेकिन ए जगह थोड़ा सा विफल नजर आ रहा विफल नजर आ रहा। बाकी फिल्म के कहानी लिखले बड़न न असलम शेख, अब असलम शेख फिल्म के कहानी लिखत रहन, इश्तियाक बंटी फिल्म के डायरेक्ट करते रहन, तब सोच लीजिए फिल्म का ही बन सके का ही बन सके, काहे के फिल्म के डायरेक्टर और लेखक सब दूर दूर तक ले शायद ये धर्म से इतफाक लोग नहीं करते रहे, लेकिन कुछ लोगों के लागत बा कि शायद हमने के तरह के बात कर रहा बन जा तो लोगों के लागत शायद वो धर्म पर टिप्पणी बटे, तो ऐसा कोनो बात नहीं के लेकिन अंकुश हम के ईगो में बहुत अनलॉजिकल और चीज़ लग रहा, मतलब रितेश पांडे जब भी चाहत रहो ना भगवान को बुला लेते हाँ अगर तू कहाँ कहा चाहता मैंने वो ना होला हाँ हम तक बताने ना कि इंकर चुल कट लो भगवान के लेके हाँ अजय तेरे दिनेश यादव के चुल कट रहे डबल हीरोइन के, तो फाइनली भाई बात तहार ओहे बात खेसारियों का चुल कट ले रहा कौन लॉजिकल के उठा के कैसे नो सीन, तो फाइनली ये तरह की चीज रितेश पांडे मत कल कर यार इतना दिन से तू मतलब अरे तब तो हमारा बुझा दन भैया ये मैं बनारस के सीन हो हां तो बा में सब्सिडी मिल रहा बा ओहे हां ओहे का नाजायज फायदा उठावल जाता ओहे का था हां। फाइनली ई एगो कहानी अगर देखल जा तो इतरे के फिल्म जितना भी बन बड़ी सब डबल टेबल फ्लॉप गुल बड़ी गॉड टू सीक्रेट फिल्म देखल बा ना बॉलीवुड के सेम कुछ स्नेह स्टोरी पर कहानी रहे लेकिन एग्जैक्टली ओमे भगवान के ना बुलावल गए रहे भगवान के कुछ अलग टाइप के शक्ति दिखावल गए रहे लेकिन फिर भी वो फिल्म कितना फ्लॉप गए जन में सलमान खान अमिताभ बच्चन जैसे बड़का बड़का स्टार काट लो, तो फाइनली कम से कम ए तरह के सीजन से बचा जा भाई बचा जा। अब हमने के बात कर जाए फिल्म के म्यूजिक के बारे में, आ फिल्म में म्यूजिक धनंजय मिश्रा दिल बड़न, अब म्यूजिक अगर बात कर ली तो एगो गाना जो रामकृष्ण बजरंगी की टाइटल सॉन्ग बटे ठीक ठाक लगा था ठीक ठाक लागत बट कंफ्यूजन लागत है जैसे में बहुत पहले हमको सुने में आया कि धनंजय मिश्रा के देहांत हो गए रहे हम हो गए फिल्म बहुत पुरान हो गए। अच्छा अच्छा ये फिल्म लगभग 4 साल पहले के फिल्म बना हुआ है, मतलब 4 साल पहले की फिल्म इस समय हां 4 साल पहले की फिल्म इस समय आई हो गए हां, तो फाइनली धनंजय मिश्रा के म्यूजिक टाइटल सॉन्ग बहुत अच्छा लगता और कुछ और इस सॉन्ग में कोई खास जान नहीं खेद दिक्कत नहीं खेद गाना जो बाबू उनका का सजेशन दे मान ले अभी दुनिया में ही नहीं हाँ फिर भी वही से कह लेते कि कुछ ठीक नहीं खेद और कुछ अच्छा भी बाटे। हाँ बाकी बता दी कि फिल्म के स्टार कास्ट में रितेश पांडे बड़ो हाँ रितेश पांडे के अगर एक्टिंग की बात कर लीजिए तो ओवर एक्टिंग हाँ ओवर एक्टिंग के भरमार हो तो बाकी ओवर एक्टिंग कूट कूट के भाई में भरल बटे अभी भी कहीं से भी निकलत नहीं नजर आवत। बाकी राकेश मिश्रा के बारे में का ही कहल जाओ कृष्ण जी बनल बड़ा का राकेश भैया ट्रेंडिंग से तो मान ली राकेश मिश्रा में कहीं ऐसा कुछ नहीं मिला। बाकी संजय पांडे अपन रोल में बखूबी नजर आए बड़ा जितने के उनका रोल बटे कमाल कैल बड़ा भाई अभिनेता हूँ हाँ, तो अपन रोल के अच्छा तरीका से निभाइल बड़ा ए फिल्म में जितना स्पेस मिलल बा ट्रेलर में देखे में अच्छा लागत बा अच्छा लागत बा। बाकी फिल्म के जौन प्रोड्यूसर बाड़ी ईला पांडे ए फिल्म के हीरोइन भी बाड़ी हाँ ईला पांडे ए फिल्म के हीरोइन बाड़ी खूबसूरत दिखत बाड़ी अगर देखल जाओ तो बाकी फिल्म में पूनम दुबे भी बाड़ी जौन की मतलब ट्रेलर में कहीं भी स्पेस नहीं मिल, अमृता पांडे भी फिल्म में बाड़ी बात कर ले ब्रजेश त्रिपाठी प्रिंस सिंह राजपूत जौन हनुमान जी के रोल कैल बड़न अगर देखल जाओ तो मतलब स्पेस उतना नहीं मिल पाएल हम लोग के कि कुछ खास करके दिखा पाओ उस लोग। बाकी अविनाश शाही भी बड़न जो रितेश पांडे के बड़ भाई के रोल कैल बड़न, बाकी बीना रहास है बड़ी और राहुल सिंह पुनीत राय और सचिन श्रीवास्तव भी ये फिल्म में बाल लोग, तो ओवरऑल देखा जाओ तो ये वो फिल्म बलाई के अलावा कुछ नहीं खेला हाँ सिंपल सी बात में अगर फिल्म लागत तो हमारा नहीं लागत कि कुछ हाँ अगर थिएटर में ये फिल्म लागत बटे तो दोपहरिया में लागी आसानजी खाना निकल जाए उनका तो कम चांस बाकी फिल्म थिएटर में भी लागी ये बात सही कहते हैं, लेकिन फिर भी अगर लाग जाओ गलती से दोपहरिया में लागी आसानजी खाना निकल ली एकदम लिख के उजर कागज पर ले लो ले दे रहे भाई दे रहे तो फाइनली अब ट्रेलर में और हमने कुछ का ही कहल जा बहुत कुछ कहे के रहिए नहीं बोलते का कहल जा, तो बाकी ट्रेलर बस इतना ही देखत रही जा न्यूज तक भोजपुरी बाकी हम जीत सलाम आदाब।